विकास मधुबनी में ठप पड़ा है। मधुबनी स्टेडियम का हाल सबसे बुरा है, नाला की हालत बुरी है, ये आपके हॉस्पिटल रोड का हालत बुरा। गैस 400 के 1100 रुपया हो गया, यही महंगाई। 30 रुपए वाला चावल 60 रुपए बिक रहा है। इस सब पर कोनो ध्यान नहीं देता मोदी जी, खाली हिंदू मुसलमान करके बर्बाद कर रहा है। अबे हट, चल चल। कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट पानी देता है। अभी पानी का इतना अकाली है। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना एरोप्लेन मोड में रहते हैं, वैसे अशोक यादव उनका पूरा हाथ है। सिर्फ जो है ना 5 साल में, इस तो मुस्लिम बेल्ट है पवाड़ा। आप किसी भी मधुबनी वासी से पूछ लें, जिला मधुबनी लोकसभा में अशोक यादव के बारे में कहेगा ये गुमनाम चीज़ है। वो हवाई घोड़ा पर आए हैं, वोट मांग के चले गए, जीतेंगे हारेंगे 4 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, तो ऐसे बीजेपी का ये गढ़ रहा है 3 बार से, इस बार मधुबनी को बदलाव चाहिए। बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले, सबसे पहले यहाँ पर वाम दल का गढ़ था, उससे पहले कांग्रेस का गढ़ था। हुकुमदेव जी बीजेपी आने से पहले जो है ना समाजवादी थे, वो आप जानते हैं। हुकुमदेव जी बीजेपी में आने से पहले समाजवादी थे, जहाँ वहाँ नैया डूबने लगी समाजवाद का, तो जो है ना बीजेपी में आ गए। बीजेपी में 2009 में जीते, 14 में जीते, उसके बाद जो है ना अपने चले गए। तो पुत्र श्री को लाए अशोक यादव जी को। अशोक हुकुमदेव जी अपने तरह से वो एक अच्छे इंसान है, पार्टी से मुझे कोई बिलोंग नहीं है। वो कम अज़ कम जब तक थे तो क्षेत्र में कम अज़ कम भ्रमण करते थे, लेकिन अशोक यादव में सबसे बड़ी खराबी है कि वो भ्रमण भी नहीं करते, किसी से मिलना जुलना भी नहीं है। मतलब कहा जाता है कि फातिमी जी और अशोक यादव दोनों ही दरभंगा के हैं और मधुबनी से लड़ रहे हैं। देखिए सर, असल बात मुश्किल है कि मधुबनी लोकसभा में दो विधानसभा क्षेत्र जो है क्योटी और जाले, वो मधुबनी लोकसभा में आता है। इसीलिए क्षेत्र का है, मोदी जी तो गुजरात के लड़ रहे हैं बनारस से, उससे के नहीं। कोई भी कैंडिडेट, इंडियन कैंडिडेट है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है, वो कहीं से भी कोई इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें फातिमा और अशोक, यही बात रही बात विकास का, विकास मधुबनी में ठप पड़ा है। मधुबनी स्टेडियम का हाल सबसे बुरा है, नाला की हालत बुरी है, ये आपके हॉस्पिटल रोड का हालत बुरा हुआ है, बहुत सारी हालत चौपट है। इसलिए यहाँ पर विकास का ठप है, एयरपोर्ट की हालत एकदम ठप है। एयरपोर्ट का हालत देखिएगा, वो जो है रोड पर एयरपोर्ट बना हुआ है, सारी हालत ठप। सड़कें की, अभी तो मैं गुजर रहा था तो सड़कें की हालत तो इतनी खराब है कि अगर किसी को इमरजेंसी आ गया तो वक्त रहते वो पहुंच नहीं पाएगा। विकास का काम यहाँ वो भी नहीं किया, अभी तक नहीं विकास का काम हुआ है, कोई विकास का काम नहीं है। महंगाई दी के कमर तोड़ दी, कांग्रेस के जमाना में थे 500 रुपये गैस, अभी 1100 रुपये 200 रुपये गैस है। हाँ, वो सारा सामान पर तो GST लगा के महंगा कर दी, जब सस्ता कहाँ है। हम सस्ता कुछ ही नहीं दे, अभी कोई चीज़ पैदा होता है पानी का होता है, पानी हम लोग इधर मिलने लगा है 10 रोज से। हाँ, और जगह जगह पर कहीं कहीं पानी आता है तो हम लोग को यहाँ 10 रोज से पानी मिलता है। वो कभी आधा घंटा, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट पानी देता है। अभी पानी का इतना अकाली है, पानी नहीं सही से मिलता हम लोग को पीने के लिए। अभी से बढ़ के क्या होगा, इस सरकार में 5 किलो खाली अनाज दे देता है, कहता है मुफ्त दिया इतना 8 लाख करोड़ का आदमी का। अभी मैं पीछे कुछ इंटरव्यूज लेके आया कोर्ट नाका में, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि अशोक यादव को उनके काम पे नहीं, सिर्फ बीजेपी की वजह से वोट मिल रहा है, मोदी जी के नाम पे वोट। अरे भाई साहब, ये बताइए, आप मैरिड होंगे अनमैरिड होंगे मुझे नहीं मालूम, आपकी हमारी और आपकी जो शादी होती है लड़का को देख के, समधी पर शादी नहीं होते, लड़का के बाप पर शादी नहीं होते। हम चुन रहे हैं लोकसभा में एक अपने प्रतिनिधि को, जो एक प्रधानमंत्री चुनेगा 545 जगह, वो भी एक वो प्रतिनिधि भी निकम्मा रहेगा। तो मोदी जी बनारस और यूपी के लिए ठीक है, मधुबनी के लिए ठीक है? मधुबनी अशोक यादव को पकड़ेंगे क्या, मधुबनी को पकड़ेंगे? चाहे फातिमी जीत के जाएंगे, अभी बाईकेस अगर फातिमी जीते हम फातिमी को पकड़ेंगे, तेजस्वी लालू को पकड़ेंगे, हम जिसको वोट दें हम उसको पकड़ेंगे ना। वही बात की बात है ना, कि जनता को किस बेस पे वोट देना चाहिए, काम को लेके या पार्टी को लेके? जनता को तो काम और विकास के नाम पे वोट पे चाहिए, जात और धर्म के नाम पर एक मर्तबा जो है ना वो हांडी जला लेंगे, बार बार हांडी जलने वाला नहीं है भाई मेरे। एक मर्तबा लेके जाएंगे राम के नाम पर या अल्लाह के नाम पर, कोई वोट लेके जाएगा एक मर्तबा, बार बार नहीं। विकास हो, सूरत बदल चुके हैं, इंशाल्लाह 4 को रिजल्ट आएगा वो पता चल जाएगा। आप लोग बताइए, हाँ क्या कहना है, बोला नहीं? जनता को वोट देना चाहिए काम को लेके या बस? ना, हम लोग काम के लेके वोट दे रहे हैं, काम को लेके। हाँ, नौकरी दिया भाई, हम हर घर में एक दूगो नौकरी मिला है, वही पर हम लोग वोट किए हैं। तेजस्वी यादव जो अभी मास्टर में बहाली हुआ, वही के लिए हम वोट दिए, वही कारण है। अच्छा, अभी महंगाई बहुत ज्यादा, अभी 30 रुपए वाला चावल 60 रुपए बिक रहा है,
इस सब पर कोनो ध्यान नहीं देता मोदी जी, खाली हिंदू मुसलमान करके बर्बाद कर रहा है। एक मिनट हट, अबे हट, चल चल रूल रूल यानी अली, रूल यानी मोहम्मद, रूल यानी हम। रुक जाओ एक मिनट। अच्छा ये छोड़ ये छोड़। गुड मॉर्निंग फौजी, आई लाइक इट। मधुबनी का लोग अच्छे, एक नंबर है, बेस्ट है। जिसको जो कारीगर है उसको कारीगर के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए, जो मजदूर है मजदूर के हिसाब से पैसा मिलना चाहिए भाई, ऐसा कहना है सरकार का। जो कारीगर है वो बम्बई जा सकता है, बम्बई में कमा के खा सकता है। जो मधुबनी में काम नहीं है वो कारीगर है, कारीगर के हिसाब से पैसा मिलना मांगता है। थैंक यू। अभी जो मतलब नल वगैरह लगा, पाइप बिछाया गया है और उसका वायरिंग जो हुआ है, सो हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, जो इतना किल्लत परेशानी है जो क्या बता रहे हैं। हाँ, इसका समाधान किया जाए। हाँ, तो इस बार क्या बदलाव आने वाला है मधुबनी में? क्या बदलाव? बदलाव हाँ, पिछली बार अशोक यादव थे यहाँ के एमपी सांसद, अभी इस बार किसे देखना चाहते, फातमी जी या अशोक यादव फिर से? अभी तो हम लोग अंदरे में है, जब मतलब इलेक्शन काउंटिंग होगा उसके बाद ही ना हम लोग समझेंगे। क्या लगता है 4 जून को किसके किसका पल्ला सबसे ज्यादा भारी रहेगा? नहीं अभी नहीं हम बता सकते हैं ये। हाँ अभी नहीं बता सकते हैं ये। हाँ।